वेरी वार्म गुड इवनिंग बच्चों, तो वार्म गुड इवनिंग करना पड़ेगा बिकॉज इतनी जबरदस्त ठंड लग चुकी है। कैसे हो चुन्नू मुन्नू माय गैंगस्टर्स, वेरी वार्म वेलकम, एकदम बढ़िया हो, मजे में हो। गुड इवनिंग, कैन यू ऑल हियर मी, कैन यू ऑल सी मी, कैन यू ऑल हियर मी, कैन यू ऑल सी मी। हाँ परफेक्ट, सुनाई दे रहे मेरे बच्चों को, दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग, एक यो लिख दो चैट सेक्शन में, चैट नजर नहीं आ रही है मुझे। बढ़िया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की आज लास्ट क्लास है, कल की धुरंधर क्लास के बाद आज ये लास्ट क्लास है, बस कल इसका क्विज होगा और परसों से आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पे अटैक होने वाला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एक बार दोबारा देख लेते हैं, देख ही लेते हैं दोबारा, क्लास लगा लेते हैं, मतलब एक बार लॉग इन कर लेते हैं, बिकॉज मुझे चैट्स नहीं नजर आ रही है मेरी चुन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स की। तो चलो आ जाएंगी थोड़ी देर में, एक बार यो लिख दो चैट सेक्शन में, सारे बच्चों बढ़िया हो एकदम। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, यू वांट टू टॉक टू मी, वांट टू डिस्कस एन इशू व्हिच इज ट्रबलिंग यू विद मी, यू कैन ऑलवेज डू दैट ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट व्हिच इज कॉल्ड वाणी सुपर वेदांतु, एंड यू नो आई विल बी देयर टू ट्राई एंड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। माय बुक इज कमिंग वेरी सून फॉर नीट 2022 एंड नीट 2023 व्हिच इज एन एमसीक्यू बुक, सो जस्ट गो गेट दैट बुक एंड उसके बाद थ्योरी पढ़ लो एनसीईआरटी से, वो बुक सॉल्व कर लो। कोने कोने ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, एक बार आपने वो पढ़ लिया तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, राइट? यू इजिली बी एबल टू स्टडी एवरीथिंग, एक बार वो बुक पढ़ ली तो मतलब सब कुछ आराम से आप पढ़ पाओगे। टर्म टू की पढ़ाई कैसे करनी है, 2022-23 टर्म टू में क्या आ सकता है, पढ़ाई कैसे करनी है, आई एम गोना बी डूइंग दैट राइट नाउ राइट हियर। मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों की चैट्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, पता लगाना पड़ेगा आप लोग हो भी या नहीं, हो तो सही, वो तो मुझे दिख रहा है बट चैट्स नहीं दिख रही है। क्या आप लोगों को अपनी चैट्स दिखाई दे रही है? आर यू गाइस एबल टू सी योर ओन चैट्स? देखो जरा एक बार, यो लिख के बताओ। हाँ, यहां तो आ गई, यहां भी आ गई, यस मैम, यो मैम, यहां भी आ गई, साथ के साथ अनिल, लिजरम, साहिल, कोमलप्रीत, सारे बच्चों की चैट्स आ गई, जोश परमार। और गाइस अगर ड्रॉप लिया है तो भूलकर भी ये गलती दोबारा मत करना। व्हाट इज इट दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट, ये मैं कल शाम को 5 बजे करूंगी, ट्रांसपोर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी कल। और कैन क्रैश कोर्स हेल्प टू गेट इनटू एम्स, क्रैश कोर्स पढ़ने से एम्स में एडमिशन हो सकती है, क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। अच्छा गाइस एक बार मॉक टेस्ट देखे, देख लो एक बार, 10 जनवरी को मॉक टेस्ट है, 2 देखो और डेफिनेटली अपने सीनियर्स को बोलो, ड्रॉपर्स ड्रीमर्स को बोलो कि एकलव्य के बैच में आ जाए। आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैंने एक सीबीएसई टर्म टू, लास्ट क्लास है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट रिलेशन खत्म करते हैं, सीबीएसई टर्म टू क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया जस्ट फॉर यू गाइस, जिनका बाय चांस टर्म वन अच्छा नहीं गया, टर्म टू में क्लासेस लानी है तो क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट 899 यार, क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायो, राइट? ये देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पूरा टर्म टू की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है, दिख रहा है? क्वाइट लाइक अ माउंट वुड बी अडोर हिम। ओ रितिका, क्विजेस क्विजेस आपको करवाए जाएंगे, ये देखो पूरा, डोंट वरी आई विल शेयर द लिंक, दिख रहा है? सो फॉर माय ग्रेड, ये क्या है, नीचे यहां से कौन निकला, डन, पूरी मतलब डिटेल में पढ़ाई होगी, डाउट्स लिए जाएंगे, कितने क्विजेस होते हैं क्लास में, पूरा बढ़िया से आ जाओ यार, आ जाओ रेगुलर क्लासेस में पढ़ लो, डन, ओके, यस एवरीबॉडी। चलो वीडी प्रो कोड है 899 में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ अवेलेबल है, रेगुलर क्लासेस 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट्स, टेस्ट, एमसीक्यू बेस्ड, डेडिकेटेड पेपर्स, रिकॉर्डिंग अवेलेबल, असाइनमेंट्स, हैंडमेड नोट्स, मॉक टेस्ट, हजारों माइक्रोकोर्स, पीसीबीज है, बिल्कुल मिस मत करना, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो।
beautiful video, no? Especially the ending. How many times does it generate action potential? 70 to 75 times. So how many times will it be? 70 to 75 times a contractile active. ये तो हमें close करने पड़ेंगे. ठीक है जी, चलो फिर. आ जाओ स्लाइड शो. डन, स्टार्ट कर दे. अभी तो नहीं वाइक हो रहा. ठीक है, अभी ठीक है. नाउ इट्स फाइन. अभी ठीक है, परफेक्ट. चलो आ जाओ. ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है. छोटा सा पढ़ा है, फटाफट से पढ़ाई करते. मोस्ट ऑफ द मिनरल एंटर द रूट्स बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन. ये कम से कम चार या पांच बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है. कल मैंने एक्टिव बनाने गाइस. आई वांट सम जोशन मेट क्लास. आई वांट लाइक्स, आई वांट शेयर्स, आई वांट सब्सक्राइब्स. फटाफट 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 लेट मत हो. कौन हो भी बताओ, पानी रूट्स में एंटर कैसे करता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है इट इज गोइंग टू स्पेंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू डू इट. एम आई राइट एवरीबॉडी? एम आई राइट? अपहिल ट्रांसपोर्ट गुड स्नेहा, गुड यश. मिनरल्स जो सॉइल में हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आयंस के फॉर्म में होते हैं. वो मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मूव नहीं कर पाते. देयरफॉर वी रिक्वायर एटीपी. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन कॉन्सेंट्रेशन इन रूट्स. समझो इसको, रूट्स में ज्यादा आयंस होती हैं, सॉइल में कम आयंस होती हैं. फिर भी आयंस लो प्रेशर से हाई प्रेशर, दैट मींस अगेंस्ट ग्रेडियंट मूव कर रही हैं. प्लीज इस बात को समझो, रूट्स के पास लो आयंस होती हैं, सॉरी हाई आयंस होती हैं. सॉइल के पास लो आयंस होती हैं, फिर भी आयंस लो से हाई में मूव कर रही हैं. दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट. अपहिल ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चंस आते हैं. मेरे को नीट में एक भी स्टूडेंट के गलती नहीं चाहिए. प्लस फोर सारे बच्चे यहां पर करके आएंगे. एक्टिव एब्जॉर्प्शन को एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी जो उसको लेती होती है वो एटीपी के फॉर्म में लेता है, जिससे वो आयंस को ऑब्टेन करता है. अंडरस्टूड? और जब वो आयंस को पुल करेगा, सॉल्यूट के पीछे पीछे कौन आएगा भागा भागा? सॉल्यूट के पीछे पीछे जोश, रौनक, श्रेया, तनुष, रेगुलर स्टूडेंट्स. सॉल्यूट के पीछे पीछे कौन आता है? वॉटर, सॉल्वेंट. तनुष बिल्कुल सही बोला. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एपिडर्मल सेल. अब जब भी आयंस मूव होंगे, ये प्रोटीन्स होंगे जिनसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी मैंने आपको कराया है. यहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आएंगे. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी जा रही है और किस टाइप का सॉल्यूट जाइलम में जा रहा है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे कुछ भी कैरी नहीं करते. एक मारुति 800 में कितने लोग बैठ सकते हैं? 10 लोग बैठ सकते हैं कि 10 लोगों के लिए आपको एक मिनी वैन या मिनी बस करनी पड़ेगी? अगर 100 लोग हैं तो आपको एक बिग बस करनी पड़ेगी. स्पेसिफिसिटी होती है ना. तो सिमिलरली ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं. सॉइल पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है. क्यों नेगेटिव चार्ज क्यों होगा सॉइल पार्टिकल्स के पास? बताओ वाणी मैम को, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो. स्नेहा, हर्ष लोहटी, डोंट वरी हर्ष, आपको इस साल सीट लेकर आनी है. बिकॉज ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू सॉइल पार्टिकल्स. नेगेटिव आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में रहती हैं. दैट टेंड टू पुल पॉजिटिव आयन आउट ऑफ रूट सेल. सॉइल पार्टिकल की जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयंस को बाहर पुल कर लेती हैं, और फिर ये पॉजिटिव आयंस दूसरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को लेकर एटीपी की मदद से बाहर जाती हैं. दिख रहा है सॉइल पार्टिकल इतना चालू है, इतना चालू है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इसको मैं एक बार दोबारा आप लोगों को समझाना चाहती हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, मैं आपको गारंटी के साथ पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ. ये पेड लेक्चर्स में भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, राइट? तो
तो जो सॉइल है बेटा वो नेगेटिव होती है, क्योंकि आपकी सॉइल नेगेटिव है, ये रूट के पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। रूट के पॉजिटिव को जब बाहर अट्रैक्ट कर लेगी, यही पॉजिटिव पोटेशियम लेकर, यही पॉजिटिव पोटेशियम लेकर एटीपी के थ्रू इनसाइड जाएगा। इज दैट क्लियर? आर यू इन लव विद द स्लाइड्स? यही पॉजिटिव एटीपी को लेकर, एटीपी के थ्रू पोटेशियम को लेकर, राइट, पोटेशियम को लेकर अंदर जाएगा। एच प्लस बाहर आएगा, नेगेटिव है क्योंकि सॉइल, एच प्लस बाहर आएगा, एच प्लस पॉजिटिव, एच प्लस बाहर आएगा और के प्लस अंदर जाएगा, के प्लस विल गो इनसाइड द प्लांट। इज दैट क्लियर? एक्टिव एब्जॉर्प्शन को एटीपी चाहिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो आयंस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कौन? एटीपी के थ्रू ये पॉजिटिव बाहर कौन आ रहा है? एच प्लस। अंदर एंटर कौन कर रहा है? के प्लस विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एनी डाउट्स? The ions that reach xylem by active or passive transport upward जाएंगे। Why is it going up? Josh, Sanya, up क्यों जाएगा? Because of transpiration pull. Because root pressure तो सिर्फ यहां तक पानी चढ़ा पाती है, तो ऊपर तक कैसे जाएगा? Because of transpiration pull. कल मैंने आपको source के बारे में बताया था, कल मैंने आपको sink के बारे में बताया था सोर्स कौन है? जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो लीव्स हैं। सिंक क्या होता है? जहां पर एनर्जी की जरूरत है, जैसे रूट्स, द चीफ सिंक्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। वो तो कल खाने के बारे में बताया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। मिनरल एलिमेंट्स कहां जाते हैं बताओ? मिनरल्स, मिनरल कहां जाएगा? मिनरल आपके सिंक, कहां पे ग्रोथ होनी है? अपाइकल मेरिस्टम। कहां पर ग्रोथ होगी? अपाइकल एपेक्स में ग्रोथ होगी, यंग लीव्स में ग्रोथ होगी, फ्लावर और फ्रूट जो ग्रो कर रहे हैं वहां पे ग्रोथ होगी, स्टोरेज ऑर्गन्स में। यहां पर आयंस की जरूरत है, आयंस की जरूरत है अपाइकल मेरिस्टम में, आयंस की जरूरत है जहां पर फ्लावर उग रहे हैं, जहां पे फ्रूट उग रहे हैं, जहां पे लीव्स उग रहे हैं और जहां पर प्लांट में स्टोरेज टिश्यू है। सारी आयंस जाकर वहां पर स्टोर हो जाएंगी। अब एक और मिनरल की बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, इस पे तो हर साल क्वेश्चन आते हैं। मिनरल्स मोबिलाइज हो जाते हैं, जो भी पत्ता येलो हो रहा है, येलो होके जो पत्ता गिर रहा है उसमें से मिनरल्स को खींच लिया जाता है और यंग लीव्स को दे दिया जाता है इसमें से। सो मिनरल्स आर मोबिलाइज्ड। कौन कौन से मिनरल को मोबिलाइज किया जाएगा? फास्फोरस को निकाल दिया जाएगा, कभी भी वेस्ट नहीं होने देते, बिकॉज एनपीके तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर को बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं, पोटेशियम को बाहर निकालते हैं। कैल्शियम इज नॉट मोबिलाइज्ड क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पार्ट है एमसीक्यू। 5 या 6 बार एमसीक्यू आया हुआ है, गारंटी लेती हूं एमसीक्यू में आएगा। कैल्शियम को नहीं निकाल सकते बिकॉज वो सेल वॉल का पार्ट है, प्लाज्मा डेस्मेटा का पार्ट है, वो सेकेंडरी सेल वॉल का पार्ट है, राइट। बट वो कैल्शियम को छोड़ के फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम को रीमोबिलाइज कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? गाइस, प्रो मेंबरशिप ले लीजिएगा, क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, मैं आपको रोज एक बात बताती हूं। अगर मुझ पे विश्वास है, मेरे पे भी विश्वास नहीं, अगर खुद की पढ़ाई वीक है, अपने लिए लो, वाणी मैम के लिए मत लो, वेदांतों के लिए मत लो, अपने लिए मेहनत करो, हजारों कोर्स देखो, 500 टीचर देखो, जो सबसे अच्छा लगता है वहां पे लो। वेदांतों में तो आपको 20 आवर्स की पढ़ाई मिलेगी, वाणी मैम के सेशन मिलेंगे, 14 बुक्स मिलेंगी, 20 टेस्ट मिलेंगे, 150 क्लास टीचर्स का एक ग्रुप होगा, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक डाउट सॉल्व होंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, हजारों लाइव लेक्चर मिलेंगे और एक महीने का प्राइस सिर्फ 1350 है। जहां पर सबसे बड़ी और सबसे अच्छा मिलता है वहां जाके ले लो। अगर वेदांतों में लेना है तो मेरा क्रैश कोर्स, मेरे कोर्स का नाम है वीडी प्रो, कोड लगा लीजिए। अब फ्लो एम पे आ जाओ, ये तो सारा जाइलम का काम था, अभी तक हमने सब कुछ जाइलम में पढ़ा, अब आ जाओ फ्लोएम पे।
तो फ्लोएम क्या करता है बताओ? फ्लोएम जो है ना बेटा, फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट करेगा. किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को. फूड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है फ्लोएम. शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है फ्लोएम. वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है ज़ाइलम. फ्लोएम कॉम्प्राइजेस ऑफ सीव ट्यूब सेल्स एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल. ये बेसिकली मैं आपको प्लांट एनाटॉमी में पढ़ाऊंगी. किस में पढ़ाऊंगी आपको? स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाना मुझे अभी आपको. स्ट्रक्चर आप जानते हो. ये स्ट्रक्चर बेसिकली मैं आपको कब पढ़ाऊंगी? प्लांट एनाटॉमी में. इज दैट क्लियर? अभी तो बेसिकली मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो पढ़ाने वाले हैं, जो कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये जो फ्लोएम होता है बेटा, इसमें परफोर ज़ाइलम ऐसा होता है बेटा, हॉलो हॉलो ज़ाइलम. लिख देती हूँ ज़ाइलम. कैन यू ऑल सी दिस एवरीबॉडी? ज़ाइलम ऐसा. फ्लोएम कैसा होता है बेटा? इसमें परफोरेशंस होती है, परफोरेशन. और फ्लोएम के सेल के साइड में एक सेल होता है जिसका नाम होता है कंपेनियन सेल. इस कंपेनियन सेल के पास होता है न्यूक्लियस. क्या होता है बताओ कंपेनियन सेल के पास? न्यूक्लियस. एवरीबडी टेल मी, कैन यू सी दिस? इसके पास होता है न्यूक्लियस, राइट? और न्यूक्लियस से ये क्या करता है बेटा? ये बिकॉज फ्लोएम जो है ना बेटा, याद रखना, ज़ाइलम जो है वो सिर्फ रूट से एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर लेके जाएगा. रूट से एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर लेके जाएगा. रूट से एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर लेके जाएगा. फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. खाना ऊपर से नीचे जा सकता है, खाना नीचे से ऊपर जा सकता है. सो खाने को पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है. फ्लोएम हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है. तो ये बाई डायरेक्शन उसको कौन बताता है? कंपेनियन सेल्स बताते हैं. कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है. फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं बास्ट फाइबर्स, जिनसे बहुत सारा मटेरियल बनता है. जूट हेम्प फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं. सीव ट्यूब सेल्स इलोंगेटेड होते हैं. सीव ट्यूब के सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली सेलुलोज के कवर्ड होते हैं. और सीव ट्यूब सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है. किसमें होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल, राइट? सीव ट्यूब के अंदर नहीं होगा. सीव ट्यूब में तो खाना जाएगा ना, इसमें न्यूक्लियस की जगह कहां है? इन्यूक्लेटेड. न्यूक्लियस किसके पास होता है? कंपेनियन सेल. क्यों होता है न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के पास? क्योंकि जो खाना जाएगा वो खाना बाई डायरेक्शनल जाएगा. इट कैन गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. सो इट नीड्स टू सी कि कहां जाना है, राइट? तो सीव ट्यूब जो ये खाने वाले सेल है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है. पर कंपेनियन सेल्स जो इनके साथ लगे, उनके पास न्यूक्लियस है. सीव प्लेट हॉलो नहीं होती है. ये हॉलो नहीं, क्या आपको ये छेद नजर आ रहे हैं? ये पोरस होती है. और इनके थ्रू सीव ट्यूब जो है, मान लो ये एक ट्यूब है, छेद, दूसरी ट्यूब छेद, तीसरी ट्यूब छेद, तो इनके थ्रू खाना पास होता है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? कंपेनियन सेल कंट्रोल करते हैं कि खाना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. और अगर ये सीव ट्यूब है तो कंपेनियन सेल बिल्कुल साइड में लगे हुए हैं. देखो कितना बड़ा सरफेस एरिया है, कितना बड़ा सरफेस एरिया. सो दैट दे कैन सेंड सिग्नल्स एंड कंट्रोल. इनके पास न्यूक्लियस भी रहता है, राइट? इनके पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है ताकि वो इंटरचेंज करके कंट्रोल कर सके. समझ में आया गार्डन गेमिंग अलीशा, राइट? अगर ये आपका सीव ट्यूब है तो ये कंपेनियन सेल. देखो इतना बड़ा सरफेस एरिया होगा ताकि वो मटेरियल भेज के कंट्रोल कर सके. सेल्स आर कनेक्टेड टू सीव ट्यूब्स बाय न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा होता है ताकि मटेरियल जा सके. समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? और फूड की जो मूवमेंट होती है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. थोड़ी देर के लिए मैं कमरे की लाइट कम कर रही हूं. आप स्लाइड को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए. सबसे पहले मैं आपको सोर्स और सिंक समझा चुकी हूं. पत्ते क्या होंगे? लीव्स होंगे सोर्स, क्योंकि यहीं पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस. ये होंगे आपके सोर्स. और रूट क्या होंगी आपकी? रूट होंगी सिंक. यहां पर आपकी रूट क्या है? सिंक, राइट एवरीबडी? सबसे पहले क्या होगा सोर्स पे? लोडिंग. सॉल्यूट शुगर्स प्रोड्यूस होती है, सीव ट्यूब में एंटर करती है. देखो कैसे शुगर जा रही है. देखो पत्तों ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज जो है सीव ट्यूब में चली गई.
पत्तों ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज जो है वो सीड ट्यूब में चली गई। अब जैसे ही यहां पर ग्लूकोज आएगी बेटा, प्लीज दो मिनट ध्यान दे दो, जैसे ही यहां पर ग्लूकोज आएगी बेटा, वो प्लांट वाटर रिलेशन याद करो, यहां पर सॉल्यूट आ गया बेटा। सॉल्यूट किसको किसको अट्रैक्ट करता है बेटा? सॉल्यूट आपका फ्लोएम में आ गया। सॉल्यूट किसको अट्रैक्ट करता है बेटा? वॉटर को। सॉल्यूट किसको अट्रैक्ट करता है? सॉल्वेंट को। तो बेटा बाजू वाले जाइलम से सारा पानी आ जाएगा, साइड वाले जाइलम से पानी आ गया। कैन यू सी? साइड वाले जाइलम से पानी आ गया बिकॉज सॉल्यूट ने सॉल्वेंट को अट्रैक्ट किया। तो बेटा पॉइंट नंबर वन लीफ, लीफ ने बनाया शुगर। पॉइंट नंबर टू बेटा शुगर, शुगर बेटा चली गई पॉइंट नंबर थ्री फ्लोएम पे बेटा। जैसे शुगर फ्लोएम पे गई, वो सॉल्यूट है उसने वाटर को अट्रैक्ट कर लिया बेटा। पॉइंट नंबर फोर वाटर को अट्रैक्ट कर लिया। दोबारा बताती हूँ बेटा, पॉइंट नंबर वन लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया बेटा, लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया बेटा, लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया बेटा, शुगर प्रोड्यूस कर दी, शुगर, शुगर जो है बेटा वो आपकी फ्लोएम में चली गई बेटा। शुगर जैसे ही फ्लोएम में चली गई, फ्लोएम में सॉल्यूट बढ़ गया, तो सॉल्यूट ने किसको अट्रैक्ट कर लिया बेटा? पानी को। अब बेटा इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ज्यादा हो गए, क्या इधर हाई प्रेशर हो जाएगा सोर्स में? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों बढ़ गए बेटा, क्या सोर्स में हाई प्रेशर हो जाएगा? विल द सोर्स हैव हाई प्रेशर? यस मैन, माय बुक इज कमिंग इन नेक्स्ट 4 or 5 days हर्ष। इस हाई प्रेशर की वजह से ये डाउन जाएगा और यहां पे सिंक है बेटा। सिंक में बेटा क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि रूट्स हैं। सिंक इज ए क्लोरोफाइलस, वहां क्लोरोफिल नहीं है, रूट्स में क्लोरोफिल नहीं होता। यहां पे बेटा नो फूड, यहां पे बेटा नो सॉल्यूट, इसीलिए बेटा यहां पर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से अनलोड होकर लो प्रेशर पर चला जाएगा। आ गया समझ में? रूट्स आर ए क्लोरोफाइलस, रूट्स के पास फूड नहीं है, इनके पास सॉल्यूट नहीं है। हाई प्रेशर से अनलोड होकर लो प्रेशर पर चला जाएगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा सीव ट्यूब में। गाइड कौन करेगा उसका? गाइड कौन है? खाना कहां जाना चाहिए? कंपेनियन से, न्यूक्लियस वाला। और सिंक पे आ जाएगा, सॉल्यूट को अनलोड कर देंगे बेटा। जैसे ही सॉल्यूट निकल गया, तो सॉल्यूट अगर बाहर चला गया, उसके साथ साथ बाहर कौन चला जाएगा? अगर सॉल्यूट बाहर चला गया तो उसके साथ साथ दोबारा यहां पर पानी, पानी वापस बाहर चला जाएगा, वॉटर। अगर सॉल्यूट बाहर चला गया, साथ साथ पानी भी बाहर चला जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज फ्लोएम में चला गया, फ्लोएम में ग्लूकोज जाना मतलब सॉल्यूट चला गया, सॉल्यूट के आने पे सॉल्वेंट अट्रैक्ट हो गया फ्रॉम द जाइलम, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया सोर्स में, खाना चला गया सिंक में, सिंक में लो प्रेशर है बिकॉज फूड नहीं है, सारा सॉल्यूट यहां पे अनलोड हो गया, जब सॉल्यूट निकल गया पानी वापस दोबारा जाइलम में चला गया। सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कितने बच्चों को ये वाली थ्योरी बहुत इजीली समझ में आ गई? राइट, कैसे शुगर कंडक्ट करता है, सोर्स सिंक थ्योरी। आ गई समझ में सारे बच्चों को? सोर्सिंग थ्योरी समझ में आ गई? मोस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन लीव्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ग्रोइंग रीजन्स को एनर्जी चाहिए होती है, रूट्स को चाहिए होती है बिकॉज वो स्टोर करके रखेंगी। तो ये न्यूट्रिएंट रिच जो फूड है, इसको हम सैप कहते हैं, जैसे वाटर और मिनरल्स को सैप कहते हैं। और ये ग्रोइंग पार्ट्स टिप्स को चाहिए होता है, रूट्स को चाहिए होता है। आलू कहां बनता है? जड़ों में। कैरेट कहां बनता है? जड़ों में। रेडिश कहां बनता है? जड़ों में। टर्निप कहां बनता है? जड़ों में। बीटरूट कहां बनता है? जड़ों में। ऑल ऑफ दीज स्टोर द फूड मेड बाय द लीव्स। जो जो लीव्स ने बनाया वो स्टोर करते हैं। क्लोरोफिल देखो, जैसे जैसे क्लोरोफिल है ये खाना बना रहा है, ये रेड मॉलिक्यूल खाना है, ग्रीन मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट है, खाने को दिया, यहां से ऊपर से क्या आ रहा है? पानी। पानी को सॉल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट, सॉल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ग्लूकोज जो है वो हमेशा फोटोसिंथेसिस से बनता है, इसको सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। राइट, बिकॉज सुक्रोज को ऑस्मोटिकली ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज डाइसैकेराइड। ग्लूकोज मैन्युफैक्चर होता है, प्रिपेयर क्या होता है? ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सुक्रोज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी इसे भेजा जाता है।
और लीव्स में जब वो लोड होता है, लोडिंग, इट क्रिएट्स अ वॉटर पोटेंशियल मास फ्लो. इसे कहते हैं मंच मास फ्लो. मंच ने दिया था मंच मास फ्लो, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा. लॉन्ग कॉलम में फ्लोएम खाना दे देगा. सीव प्लेट्स जो परफोरेटेड है, सिर्फ दैट इज द सेपरेशन, खाना पास होता जाएगा. इट इज कॉल्ड द मंचेस मास फ्लो हाइपोथेसिस. राइट, साइटोप्लाज्म जो है वो सीव प्लेट की परफोरेशन से कंटिन्यूअसली खाना भेजेगा. कंटिन्यूअसली साइटोप्लाज्म जो है वो सीव प्लेट के थ्रू कंटिन्यूअस खाना भेजेगा. अगर सीव प्लेट है, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस सीव प्लेट के थ्रू खाना भेजता रहेगा. यहां पे वॉटर जब अट्रैक्ट होता है बेटा, ये जो कंटिन्यूअस खाना भेज रहा है ये सीव प्लेट से, ये तो जाइलम है. कंटिन्यूअस जो यहां हाई प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज वॉटर इज कमिंग, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से खाना मूव करेगा और फाइनली कहां स्टोर होने चला जाएगा, सिंक के पास. सिंक, वहां पे उसको स्टोर कर देंगे. और क्योंकि यहां पे खाना बाहर चला गया, खाना बाहर चला गया, लॉस ऑफ सॉल्यूट हो गया सिंक में, तो बेटा अगर लॉस ऑफ सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूट के पीछे पीछे कौन बाहर जाएगा? सॉल्यूट के पीछे पीछे कौन आया था? सॉल्वेंट. सॉल्यूट बाहर चला गया, लॉस ऑफ प्रेशर हो गया, हु इज गोइंग टू गो आउट? बताओ कमेंट्स में. वॉटर, सॉल्वेंट. वापस कौन चला जाएगा? सॉल्वेंट. वापस कौन चला जाएगा? एंड वॉटर पासिस आउट, वापस जाइलम में चला जाएगा. सोर्स सिंक थियोरी, सिंपल. क्लीन वॉटर, सॉल्वेंट. चैप्टर खत्म भी हो गया बातें करते करते, समझाते समझाते. माय गॉड, सिर्फ 30 मिनट्स में ये समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? चैप्टर खत्म भी हो गया देखो यूं ही पढ़ते पढ़ते. अब मुझे बताओ, क्या मैं आपको डिटेल में फर्स्ट चैप्टर, डाइजेशन तो आपके टॉपिक में नहीं आ रहा, तो क्या मैं आपको लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक उठा के एक एक चीज डिटेल में करवा दूं? एक एक चीज डिटेल में करवा दो, बोलो यस मैम. ये तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं आ रहा. कल बस इसका एक छोटा सा मुझे टेस्ट लेना है, उसके बाद ये सारी चीजें मैं आपको करवा दूं डिटेल में. यस मैम, पक्का पढ़ोगे अच्छे से सारा? मैं और मैं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड स्लाइड्स करवाती हूँ, केमिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन से शुरू करती हूँ, पूरा कुछ आपको क्लास 11th डिटेल में करवा देती हूँ. राइट, बट गाइज प्लीज चले जाइएगा. आपको पता है केवीपीवाई के लिए श्रेया मैं 2 दिन का मैराथन रख रही हूँ, पीसीएम भी पूरा डिटेल में करा दूंगी 7th और 8th को, दो दो तीन तीन घंटे के मैराथन सेशन है. राइट, सारे क्वेश्चन है. एंड गाइज यहां पर जाकर प्लीज अपने 11th की प्रो मेंबरशिप, 11th का क्रैश कोर्स जो है वो ले लीजिएगा. यस, सीबीएसई टर्म 2 की अगर प्रिपरेशन करनी हो तो सिर्फ 899 का अवेलेबल है. यहां जाओ, 5 डेज 15 डेज के लिए आपको 1 मंथ का मिलेगा विद माय कोड. वीडी प्रो कोड लगाओ और एटलीस्ट 899 का ये ले लो, थ्योरी हो जाएगी. बायो के एमसीक्यूज वाली मैम की बुक से कर लेना, सॉर्टेड, डन. कल सिर्फ इस चैप्टर के एमसीक्यूज कराऊंगी और परसों से आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू कर दूंगी. डन, टेंशन खत्म. पर सिर्फ एमसीक्यूज करवा रही हूं श्रेया. चलो, टेक केयर, मिलते हैं 9 बजे टर्म 2 की पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में बात करने के लिए. टेक केयर, सी यू, बाय बाय बच्चों, बाय. ड्रीमर्स के लिए गियर 5 बजे, ड्रीमर्स के लिए 5 o'clock भी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ शुरू से. 7, पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे करवा रही हूँ मैं, 5 PM पे फर्स्ट चैप्टर, 7 PM पे लास्ट चैप्टर, फटाफट हफ्ते के अंदर सारे करवा दूंगी. डन, बाय. तो मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस करा दी, टर्म 2 की डिस्कशन करेंगे 7 PM और कल फिर से मिलकर ये तीनों टॉपिक्स करेंगे. बाय बच्चों. बेटा मेरी बुक MTG की वेबसाइट पे, Amazon पे, Flipkart पे 1 हफ्ते के अंदर आपको दिखने लग जाएगी. ओके, बाय.